वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फूलगोभी आलू और मछली के साथ एक ज़बरदस्त सब्जी, जो फिश खाने में जितना टेस्ट है उससे भी ज़्यादा बढ़िया आपको ये सलन। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो पहले मैं फूलगोभी को छोटे छोटे पीस करके काट लूँगी और आलू को भी काट लूँगी, और इसको हम हल्दी मिर्ची और नमक के साथ शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आलू फूलगोभी को नमक हल्दी मिर्ची डाल के शैलो फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के नरम कर लेते हैं। इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मछली के साथ भी पकेगा। ये देखिए दोस्तों, आलू गोभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और पहले से मैंने मछली पककर रख दिए हैं। अगर आपको देखना है मछली कैसे पके तो हमारा पहले वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिए। अब मैं फूलगोभी पकाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून इसी भी प्याज डाल देंगे। उसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/3 नमक क्योंकि पहले से फूलगोभी में नमक डाला हुआ है, 1/3 हल्दी, मिर्च पाउडर, 1/4 जीरा पाउडर। फिर हम इस सभी मसाले को थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे और तेल में इसका अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल में मैंने वो मसाला को डाल दिए हैं और इसको हम भून रहे हैं। ये देखिए मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो फूलगोभी आलू ये सब हम इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको 2 मिनट ढक कर पका लेते हैं। दो मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं जो कुक किया हुआ मछली है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये पहले से कुक करके हम रखे थे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। चार हरी मिर्च, 1/2 चम्मच डाल देंगे। मिर्ची पाउडर, अगर आप फूलगोभी को इस तरह बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इसको भून देते हैं और 4 मिनट तक इसको कुक कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है, अब हम खोल के देखते हैं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। ये आप रोटी चावल के साथ खा सकती है, बहुत टेस्टी है, घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पॉपी शाही किचन।